देखिए, आज ये जो कश्मीरी आतंकी जो घटना हुई है, इसमें हमारे गांव से छोटा भाई आदर्श नेगी शहीद हुआ है। इसकी सूचना हमें कल रात को मिली और जब से सूचना मिली है पूरे परिवार के साथ पूरा गांव शोक में है। और इससे पूर्व हमारे गांव से मेजर प्रणय नेगी की शहादत की खबर भी हमें मिली थी। और जो ये आतंकी हमला हुआ है और जितने हमारे उत्तराखंड के जवान शहीद हुए हैं, मैं सबको सबसे पहले तो उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो आतंकवाद है, इस पे हमारी सरकार को कड़ा नियम और कानून बनाने की ज़रूरत है और इस पे सख्त से सख्त जितनी कठोर कार्रवाई हो सके। और जब तक उन आतंकियों को सज़ा नहीं मिल जाती, वो आतंकी ढेर नहीं हो जाते हैं, तब तक मुझे लगता है कि हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनके आत्माओं को शांति नहीं मिलेगी। मैं यहाँ नहीं रही बचपन से, मैं देहरादून रही। वो दो मेरे दो भाई छोटे वो यहीं रहे मम्मी पापा के साथ, तो वो यहीं स्कूल पढ़े। फिर हमने कॉलेज साथ में किया HNP गढ़वाल श्रीनगर से। फिर सेकेंड ईयर BSc, सेकेंड ईयर में 2018 में उसका आर्मी में सिलेक्शन हो गया था उससे वीडियो कॉल पे। काफ़ी देर तक तो हुई थी क्या बोला था भाई ने घर आने के ऐसा, लिए कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं बोलता घर आने के लिए। क्या उम्मीदें थी अपने अपने भाई छोटे भाई से आपकी? बहुत कुछ उम्मीदें थी क्योंकि सबसे छोटा और सबका लाडला भी था वो। हाँ, तो खुश मिजाज वाला था, पूरे गांव का पसंदीदा था वो। हाँ, हम सरकार से ये तो कहना चाह रहे कि एक बार ऐसा सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि ऐसे बार बार ऐसी घटनाएं ना हो, लोगों को जवानों को शहादत ना देनी पड़े। रात लगभग 9:30 बजे के करीब जो है कि यूनिट से फोन आया था कि वहाँ पे वो एक आर्मी में जो है आतंकवादियों ने जो कोई अटैक कर दिया और उसमें जो है हमारा ये बच्चा आदर्श ये इंजर्ड हुआ है। पहली सूचना उन्होंने इंजरी की दी, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद दोबारा कॉल आई कि वो और भी लोग जख्मी हुए थे और इसमें से जो है 4 लोगों की वो देश के लिए शहीद हो गए। तो करीबन ये 9:30 बजे के करीब ये सूचना आई थी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।